हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीपीएम यानी कि पानी का फ्लो, कूलिंग टावर से जो कंडेंसर में पानी का फ्लो आ रहा है, अगर वो कम हो जाए तो सुपर हीट और सब कूलिंग में क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले हमें तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानना चाहिए। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल से ही रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल में आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर, कंप्रेसर से यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वेपर फॉर्म में यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जाती है कंडेंसर में। ये कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद फिर ये आगे बढ़ता है, आगे ये एक्सपेंशन वाल्व, ये देख रहे हैं एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व के बाद से ये फिर जो है इवेपोरेटर में जाता है, फिर कंप्रेसर में जाता है। तो एक्सपेंशन वाल्व के बाद यहाँ पे क्या है, लिक्विड और वेपर मिक्स्ड फॉर्म होता है, लेकिन ये इवेपोरेटर के बाद ये पूरा वेपर फॉर्म में होता है, और ये वेपर फॉर्म में जाता है कंप्रेसर में, फिर यहाँ से वेपर फॉर्म में ही जाता है। यहाँ पे जो होता है ये लिक्विड फॉर्म होता है, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सुपर हीट और सब कूलिंग कहाँ होता है और कैसे होता है। तो देखिए, सब कूलिंग जो होता है वो कंडेंसर में होता है, सुपर हीट जो होता है वो इवेपोरेटर में होता है। सब कूलिंग कंडेंसर में कैसे होता है, मैं ये आपको बताता हूँ। वेपर फॉर्म में यहाँ जाता है और यहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे सब कूलिंग होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पानी है, यहाँ तो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल लिया एक पानी का, पानी को समझाने में थोड़ा ईजी होगा, इसके लिए हमने उसका एग्जाम्पल लिया, ठीक है। रेफ्रिजरेंट की जगह मान लो कि आप पानी जा रहा है, ये पानी गया, ठीक है, यहाँ पे पानी जा रहा है, तो पानी गया यहाँ से वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में गया, तो आप मान लो कि ऐसे वेपर फॉर्म में गया, तो ये मान लो कि ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करते 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 ये इस जगह पे इसका फेज चेंज हो रहा है, इस जगह पे इसका फेज चेंज हो रहा है, मतलब ये वेपर से लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है, फिर ये इस लाइन में निकल रहा है। तो इसका टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, जहाँ फेज चेंज होता है वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ये और कम हो रहा है, होते होते मान लिया हमने कि यहाँ पे ये सक्शन लाइन जो है, ये लिक्विड लाइन जो है, इसका टेम्परेचर जो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर है। ये सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे जितना टेम्परेचर जाता है वो होता है सब कूलिंग, या वो होता है सब कूलिंग। तो यहाँ पे सब कूलिंग कितना हो गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये चीज हो गया यहाँ पे सब कूलिंग, ठीक है। तो ये इसके बाद जो एक्स्ट्रा ठंडा हो रहा है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, यानी कि इसके फेज चेंज के बाद जो एक्स्ट्रा इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो होता है सब कूलिंग, ठीक है। अब फिर आगे आते हैं, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में आया, अब ये इवेपोरेटर में आया। इवेपोरेटर में आने के बाद ये मान लो कि यहाँ पे ये लिक्विड वेपर फॉर्म में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे जो है इसका फेज चेंज हो रहा है, ये पूरा लिक्विड से वेपर में इस पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे इसका फेज चेंज हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, ये पॉइंट जो है इसमें बढ़ रहा है। तो ये बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आया, तो ये बढ़ जाने के बाद यहाँ हमने मान लिया कि इसका 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 110 में से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कम करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो आएगा ना, यही क्या होगा, इसका सुपर हीट होगा। तो ये सब कूलिंग या कंडेंसर में होता है, सुपर हीट जो होता है इवेपोरेटर में होता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जीपीएम कम होने से, यानी कि ये जो पानी का फ्लो इसमें आ रहा है ना, ये कूलिंग टावर से ये पानी का फ्लो आता है और ये कंडेंसर में जाता है, फिर ये कंडेंसर से ये रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज करने के बाद, इसको और ठंडा करने के बाद ये फिर अगेन कूलिंग टावर में जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ये पानी का फ्लो कम हो जाए, पानी कम हो जाए, या किसी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाए, या ठंडा पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा,
सुपर हीट और सब कूलिंग में क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम तो यहाँ सब कूलिंग हो रहा है तो इसकी बात करेंगे। तो अगर यहाँ जीपीएम कम हो गया, पानी कम आ रहा है, तो क्या होगा कि ये जो इसका फेज चेंज जो हो रहा था इस जगह पे 0°C इस जगह पे हो रहा, तो वो यहाँ ना होके यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे ही हो रहा है, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इसका फेज चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये 0°C यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत कम पॉइंट मिला, ये इसको कम पॉइंट मिला ठंडा होने के लिए, तो जब ये आगे निकला तो यहाँ पे हो सकता है कि ये -2°C ही हो, ठीक है, क्योंकि इसको प्रॉपर जो है ना यहाँ पे फेज चेंज होने की जगह पे ये यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यानी कि इसको और ज़्यादा इसको पानी नहीं मिल पा रहा है, ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि इसका टेम्परेचर और डाउन हो, तो इसका टेम्परेचर कम ही डाउन हो पा रहा है, इसका टेम्परेचर कम डाउन हो पा रहा है, तो यहाँ पे सब कूलिंग कम हो गई, यानी कि -2°C सिर्फ यहाँ पे इसकी सब कूलिंग हो गई। तो क्या हुआ, जीपीएम कम होने से सब कूलिंग कम हो गई, ठीक है। अब इसके वजह से सुपरहीट पे क्या असर पड़ेगा, इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ ना कि अभी देखो यहाँ इसका ये कंडेंसिंग टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे ये जो ये टेम्परेचर, ये जो लिक्विड जा रहा है, इसका टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो एक्सपेंशन वाल पे जो है ना ये हाई प्रेशर पे ये रेफ्रिजरेंट आएगा, इसका जो अब जो रेफ्रिजरेंट आएगा इसका प्रेशर जो होगा हाई होगा, तो हाई प्रेशर से रेफ्रिजरेंट आएगा तो एक्सपेंशन वाल भी क्या है ना ओवरचार्ज देगा रेफ्रिजरेंट का, तो ये इवेपोरेटर में ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आने की वजह से इस पॉइंट पे जो है इसका फेज चेंज हो रहा था, यानी कि ये लिक्विड से वेपर में बन रहा था, तो हो सकता है यहाँ ना बन के अब यहाँ बनने लगे, तो यहाँ बनने लगेगा, यहाँ पे इसका 100°C हो रहा है, तो फिर इसको सिर्फ थोड़ा ही जगह मिल रहा है, यानी कि थोड़ा ही हीट और मिल पा रहा है, जिसके वजह से इसका टेम्परेचर और ज़्यादा हो सके। तो फिर क्या हो गया कि अब इसका टेम्परेचर 110° नहीं हो गए, हो सकता है कि 105°C तक ही जा पाए, क्योंकि इसको अब ज़्यादा हीट नहीं मिल पा रहा है, इसको और ज़्यादा हीटिंग होने के लिए, तो ज़्यादा हीट नहीं हो मिल पा रहा है, इसके वजह से 105°C ही तक जा रहा है। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये 100°C और ये 105 मिल गया, कितना हुआ 5°C इसका अब सुपर हीट हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पहले -5°C सब कूलिंग था और 10°C सुपर हीट था, लेकिन जीपीएम कम होने की वजह से -2°C सुपर हीट हो गया और 5°C -2°C सब कूल हो गया और 5°C सुपर हीट हो गया, यानी कि दोनों की वैल्यू कम हुई है। तो क्लियर, आप समझ गए होंगे, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि जीपीएम कम होने से पानी का फ्लो जो कूलिंग टावर से आ रहा है वो कम होने की वजह से सब कूलिंग और सुपर हीट दोनों की वैल्यू कम होगी।